ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई जो ओम का सुमरण कर शुद्ध आत्मा हो। ओम सनातन का बड़ा ऊंचा शब्द है और सबसे बड़ा। क्यों सबसे बड़ा है? ये ज्ञान की बात है, यह ज्ञान का केंद्र है और ज्ञान हम चाहते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं अज्ञान आदमी को। तो ये सबसे बड़ा है ना, मुख्य चीज़ ज्ञान है इसका। इसका ध्यान जो करते हैं तो उसे ज्ञान भी आता है। ये वेद शास्त्र जितना लिखे हैं ना, सब के सब ओम के स्थान के। मैंने जो पुस्तक लिखी ओम के स्थान पर, उसको मुझे पता नहीं था। नौमिली अनुमिली अनुमिली एकाग्रता आगे अरे दिखता रहे। एक के दो का पता नहीं था मुझे, और वो इकट्ठा हो गया एकदम और लिखता गया सब। ऐसे ऐसे आदमी नाम लिखा तो मैं कभी जानता नहीं, सुना नहीं था। चार ऋषि का वर्म लिखा उन्होंने, मुझे पता ही नहीं था। अरे ये लिख दिया उन्होंने कागज पर, और फिर उन्होंने पढ़ाई है बाबा जी, फिर सत्संग वगैरह सुनाया तो उसमें बोले ऋषि बहुत से हुए हैं, उपनिषदों के ऋषि बहुत है। सिंधु के जिसने जो लिखा ना वो लिखा दिया कि इसका अनुभव है, इसका अनुभव था कि पकड़ था कुछ, वो सब इन्होंने लगा दिया, सब ऋषियों की लिस्ट बना ली। तो बोले उनके मशिया और सिर्फ चार निकले, बाबा जी का भाषण था कोई पहले, मैं नहीं सुना था उसका। और फिर बाद में उसका सत्संग सुना तो मुझे देखिए बात पूरी कही गई। तो बात क्या, ओम का जो स्थान है बहुत बड़ा है, मुख्य है। क्योंकि जितना ज्ञान ध्यान सही इसी स्थान पर आता है, बाहर की दुनिया का भी इकट्ठा होने से आता है। जितना भी इंजीनियरिंग का टेक्नोलॉजी का जितना ज्ञान है, ये दुनिया का जो ज्ञान जितना भी जो जो सबका सब वो ध्यान करता है इंजीनियर एकाग्रचित होता है, ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ, ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ, और वो नई नई चीज़ करता। राजनीति नेता जो नीतियाँ लिखेड़ी हैं उससे ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, नई सोच सोचती है। मतलब जिसके जो काम करता है उसको नई चीज़ सीखती है। जितने सब्जेक्ट के जो लेक्चर टीचर है और जो पी एच डी वगैरह कर जाते हैं, जो थिंकर होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं अपना, जो जानना चाहते हैं वो अपना। ये जो समाधि की बात है उन्हें समझ नहीं लगती, उनकी एकाग्रचित हो जाता है और उसको पता लग जाता है, और एकाग्रचित से आते। इसलिए ओम नाम सबसे बड़ा का है, तो छोटी बात नहीं है। क्योंकि बताते ज्ञान साथ आदमी और ओम नाम से मिलती है, और इसे क्या होता है शुद्ध आत्मा हो जाती है। मतलब किसी के प्रति साद्वेष नफरत नहीं रहता, तो फिर वो जो एकाग्रचित होता तो उसको सोलह ना सही होती है बात, उसमें तेरह ना नहीं होती बात। तो इसलिए ओंकार नाम लिया, वो गलत नहीं दिया, सबसे बड़ा है। तो व्यस्त तो इसी है ना, हम ख्याल तो ज्ञान चलते थे, और ज्ञान का स्थान कौन सा है? ओम का स्थान यहाँ। भाई और छोड़ो एक्सेप्शन के छोड़ो, अध्यात्म के एक दो आदमी की चर्चा है, वो जो चर्चा वो किसी खास एक दो आदमी की जो है। तीन जैसे इतने आदमी आए अभी, वो माइकल जैसा है। अब तो कल का पता नहीं माइकल कहाँ जाए कि फटिया कंधे में अशुभ कर्म आ गया जाए तो फू गया गया भुर समझे। ये जिंदगी आधार कर भुर, तो कल का बात नहीं कर सकता नहीं। अब भी जो देखते हैं उसकी कंडीशन हालत है, तो उसकी तरह अड़ा एक भी नहीं अपने पास। अति दूर से हर इतना रुपया देने वाला पे मेरे पास कोई आया कोई नहीं, समझे ना। मेरे पास इतना रुपया देने वाला कोई आदमी आया कोई नहीं, लगाया हुआ किसी ने ज़्यादा, वो लगा दिया हूँ काम में इतना रुपया दे रहा, अत्तर सौ रुपया लेके आया। अरे बिना मांगे आप पर खेल जाऊँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, सब कुछ आप पास है। उसको बता दिया भाई कुछ नहीं चाहिए, मैं हम उसके आ जाए तो आ जाए क्या रहा हूँ, वो कुछ नहीं जाना तो आ जाना, बस मैं तो देख के खुश होऊंगा, बस ये बात। और उसके बावजूद दे दिया, तो ये एक्सेप्शन आदमी है, ऐसे आदमी की गिनती नहीं। ऐसे आदमी तो कभी लाखों में से एक दो होता है ताड़ वाला, तो ये दावा नहीं करता कल को पता नहीं क्या हो, ये बात अलग है। अब जो इस हालत में जो पोजिशन ये है उसकी, कि ये जो है विशेष डिजाइन है, विशेष इच्छा, विशेष सर धक्का खाया, आगरा ब्यास सब जगह धक्का खाया। इसका गुरु भी था जर्मनी का रहने वाला, इसका गुरु था एक, वो भी था। और इसने जो सुना कोई थोड़ा कड़ा सुना बताओ, इंग्लिश वाला इंटरव्यू सुना थोड़ी सुने भाई, इसके पेंद गए इसको
बोले लाग गया, उन्होंने कहा था बीन गया सारा तरह बीन गया, वो बीन गया और बोलो बीन दी बात बस ऐसे मिली कोई बात, इसलिए वो ये चाहता था कि ये आदमी मुझे मिले और इसकी इच्छा खींच के जागे और यहाँ दिए जगह खाता खाता बड़ा कुछ समझे बात। तो आप काज को बताए हैं कि ओम का नाम स्थान बड़ा सबसे और उसका सुमन कर शुद्धात्मा होती। अब कुल में आपको सत्संग दे चुका तकरीबन, सत्संग लगभग दे चुका, कहीं पूछ सके टांग है थोड़ी और पीछे की बात है वो रहेगी, काफ़ी बात है वो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगी, पर मुख्य जो चीज़ थी वो भी दे चुका। मुख्य चीज़ क्या बताई मैंने आपको, वो एक है सब उसका खेल है, सब उसका सुप्रीम का खेल है, ये खेल मारना वो करना ये करना ये कर देना, अब करे इतना आदमी मार दिया उड़ दिया, अब जो इस ज्ञान में रहेगा वो नहीं जानेगा, वो इसको लेगा नहीं जानते हिटलर क्या परमात्मा ही था, परमात्मा रूप था जहाँ पर दूसरा अंग्रेज घमंडी थे ज़्यादा अपने आप को, क्योंकि वो राज कर रहे थे ना दुनिया पर पूरी पर और वो नज़दीक था। उसने पहले 1914 के बाद ये लड़ाई करनी शुरू कर दिया, 14 के बाद में फिर तैयारी करनी शुरू कर दी, खूब तैयारी करी शायद मिलिट्री की तैयारी पूरी और संसार ने हो गया रेवड़ी चलाने जनरलों को अपने जो खास लगा थे उनको रेवड़ी चलाना भेज दिया पढ़ी करके और वो अंग्रेजा उनसे ताल्लुक जोड़ता था हर क्या करते थे वहाँ से लड़कियाँ जो थी जर्मन उन्होंने शादी कर ली अंग्रेजा से, अब देख रहे शुक्रवानी शादी कर ली अंग्रेजा साधर सूरा भेज दिए वो करीब उनको इसका भेद मिले वो करे इस तरह। अब शेडी थे कितनी शेडी थी शादी के शादी करेगा था तो शादी करो उनसे फलाने उससे जल्द से उससे कोशिश करो, तो वो रहती उसको शादी कर लेती, अब वहाँ से उनका भेद लड़कियों का जो रहता था आज ये ऐसा करे आज ये प्लान करे आज ये उनकी प्लान और उनका काम एक तरफ उसको पता लगता गया और उसने उससे खिलाफ जद्दोजहद जो करे ना ऐसे बत्तर करा तो तैयारी कर ली और तैयारी करके उसने एक आदमी था देख तू भाई दुनिया का एक ही आदमी था ना वो और वो उसने करके तैयारी पूरी डिक्टेटर था सब जन्मी को लड़ाका बना दिया औरतों को वो सब कुछ तैयार करके और करे तो अंग्रेज आएंगे पावर उगड़ी से लेकर छिपड़े तक राज था उनका बर्मा में इंडिया में सब जगह और कामपुर एक छोटी जर्मनी स्टेट छोटी और उसने करीब मुकाबला करा तो 1939 की लड़ाई करीब उसके अंदर उसने कमाल कर दिया। देखिए एक लड़ाई गया तो साथी बना दिए जो अंग्रेज ऊपर चलते थे ना रशिया रशिया उनको साथी बना दिया, चीन जापान वगैरह जिनको साथी बना दिया, वो कहते हैं अंग्रेज बड़ा अपना आपको बड़ा समझते हैं और छोटी सी गमले थे टाप को, तो उसके खिलाफ उसने सबको जहर भर के तैयार करिए और लड़ाई करी तो दुनिया का युद्ध हो गया। फिर एक युद्ध शुरू ये नहीं दिया इनको दबा दूँगा और इनको इतना से घोटा उसने कोई कसर को छोड़ी जितना घोटना था घोट दिया इसको, इन्हें बहुत नमूना दिखा गया तो क्या था परमात्मा था, परमात्मा था वो खेल खेला गमंड का सिर नीचा इनको नीचा कर दिया इतना कर दे कर दिया अब तो सुनना पड़ा वो, अब तो भूतानगरी है यूके यूके में कोई जवान आदमी यंग आदमी रहते करनी या तो कोई रेल वाले रहेंगे या कोई जहाज वाले रहेंगे ड्राइवर वगैरह रहेंगे सर्विस आदमी हैं जवान आदमी से अंग्रेजा का वो सबका सब बाहर चला गया, कोई तो अमरीका में चला गया कोई इधर चला गया कोई इधर चला गया और कोई कहाँ गया कोई बर्मा में चला गया, अरे कोई स्टेडियम जो जहाँ पर नहीं काला पानी देते थे ना कोई वहाँ पर आ गया हार्बर है उधर दो हार्बर सिडनी और मेलबोर्न वहाँ आ गए और आगे वो टापू जो थे उनके आदमी इनके आदमी थे और उनके साथ में ताल्लुक जोड़े उनको बात चीज सिखाई काम काज सिखाया, तो मतलब क्या है कि एक छोटा सा आदमी ये काम तो आदमी नहीं था वो, अब जो ब्रह्मंड तेरी दृष्टि ऊँची बन जाएगी कहते वो दृष्टि ऊँचे करे प्राणी सार समझ आए तो देखा अगर सब जगह परमात्मा तो उसको तो ये चर्चा करेंगे ना कि अंग्रेज हिटलर ने ये काम खराब कराया बच्चा कराया लोगों आदमी ऐसे मारा बुरी तरह से, वो हिटलर नहीं था वो परमात्मा ही था उसके अंदर और वो ड्रामा था खेल था उसका, उसने खेल करेगा जो ऐसे थे को लोटे ऐसे मारना वो मारना खेल था उनका समझा कि नहीं, तो वो उससे ले जाएगा
तो उसकी नज़र में क्या आएगा, जैसे वो लोग बात करते हैं, मेरी नज़र में क्या आता है कि तो परमात्मा की सब लीला है, ये सच नहीं समझता उसको। जब बात करते हैं वो कहते खेल ही उसका सब है, तो जो कुछ हो रहा है इसका उसका खेल हो रहा है। सब जगह वो खेलता, चोर में वो खेलता, बदमाश में खेलता, सब के अंदर वो ही है। और ये ज्ञान हो जाता है, ये ज्ञान पूरा के साथ उसके कोई खेल है ही नहीं, और मेरे साथ मैं जो करता हूँ वो करता, मैं क्या करता हूँ, पूरा खेल रहता है। अब वो जितना कर्म उसने कराया है यहाँ पर, जिसका उसके सिर पर वजन है, मैं बुरा बात करा, आदमी मारे, मैंने ये करा, वो मेरा बड़ा हटा लेता है और वो ज्ञान हो जाता है। ज्ञान क्या हो जाता है कि वो कुछ करे ही नहीं, जो कुछ करे अत्य करे सब कुछ, तो वो जो करे उसको हम सच मानते तो पाप है, और अगर होते तो खेलता परमात्मा, परमात्मा खेलिया कुछ नहीं कराया, हमने क्या कराया, तो पाप हमको क्या लगे, कराने वाला तो वो है, सब कुछ वो कराया, तो उसकी दृष्टि ऊंची हो जाती है। तो वो किसी को ना कोई ये देखता, लड़ाई करा उसने, खतरा करा उसने, लड़ाई करा ना उसी का करा, वो खुद ही कर रहा था। दृष्टि ऊंची है, दृष्टि ऊंची करे तो प्राणी सार समझ आवे, ये सार है। और उस वक्त आके वो कह सकता है को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब वही है जो करता हूँ, ये सार उतारे हूँ तेरे पूरे धर्म का निचोड़ उतारे हूँ, समझा कि नहीं, कि उसकी दृष्टि और कहीं जाएगी नहीं, उसकी दृष्टि जाएगी, सिवाय उसके कोई काम नहीं करने वाला नहीं। आप चाहते हैं आप अपनी बातों से लेट जाते हैं, क्योंकि ज्ञान है ना अपन, और तो सच है खेल ही उसका सबका सब, और किसका रोसा ही आ जाए कि चार दिन अच्छा घाटे कल का भरोसा नहीं, किसका सा कौन तेरा साथी है, कौन तेरा दुश्मन है, कोई साथी नहीं। ये जितने अटैचमेंट है, मेरा तेरा, मेरा माँ, मेरी बाप, मेरा भाई बहन, ये सब मतलब क्या है, मतलब चुप क्या गया, मतलब चुप क्या बात ही को नहीं करे, न माँ करे, न बाप करे, न भाई करे, न कुछ भाई करे। जब ये वैराग उसको पूरा होता ना, और वैराग कद होगा जब वो राग को राग को कहाँ छोड़ेगा, वो जितना प्रेम है माँ से, बाप से, भाई से, मन से, सब से। तो इसके लिए क्या है, वराग और राग दोनों हैं। राग तो एक वो जो है वो प्रेम में तो सब बताता है, और वराग वो है, वराग वो है सबसे डटेज, सबसे तो डटेज है, सबके साथ अटेज, दोनों चीज़ है उसमें। तो संत में तो हटाया नहीं ये चीज़, वो पड़े भाग जाते हैं छोड़ के, होकर कभी को टोटली वैराग्य हो, कुछ नहीं मेरा ख्याल आ गया, वो ख़त्म कर दी। और बात तो बताया कि पीछे जो कर्जा वो तो सारे तो पहले सारे भाई बन के तो रहे इसे घर में पूरा मर तक, ड्यूटी करे, काम करे, और मीठा भरा राग। तो ये फ़र्क है संत मत में, संत मत में राग हटाया नहीं है, पर किससे, एक से जितना राग था, पत्नी से, पति से, भाई से, रिश्तेदार से, जो टेस्ट था प्रॉपर्टी से, धन से, दौल से, वो सबका सब उठा करके और गुरु में लगा दिया, राग लगा दिया, प्रेम विश्वास कि जो गुरु जी की कृपा सब कुछ होता। तो उन्हें सोचा नहीं संतोष, ये रखो इसके बगैर काम नहीं चलेगा, जो दे जाओगे घर, जिसको हटाओगे कोई जगह चाहिए उसको, तो क्या करोगे इसके लिए, वो गुरु जी भी रख दो दोनों काम, राग और बैराग दोनों। बैराग तो बैराग उसने सिखा दिया, कोई तरह नहीं है, राग ये कि उसने जितना राग अपना प्रेम इधर का सब चीज़ों से राग है, जमीन से, धन से, दौलत से, जितना भी प्रेम है अपना, मेरा मेरा कहते हैं ना वो मेरा नहीं तेरा कर लो, तेरा सब कुछ, तो उसके लिए दोस्त लगा अटैच नहीं होगा, मेरा तो नहीं उसका है, तो कोई अटैचमेंट नहीं, और साथ अटैचमेंट प्यार देता उससे। और आगे बराग दोनों समझ गया, तो इसमें दोनों चीज़ें, राग और वराग। राग जितना भी है वो सब जो जिसका भी है वो को जाएगा कहाँ, वो कोई जगह तो नहीं चाहिए ना उसकी, तो उठा के वो सबका सब गुरु कर दिया, प्रेम ये सब कुछ गुरु जी है, इसके शिवा कोई है कोई, भाई ने बंधन सब सब कुछ मान लिया। गाता है आरती में, तुम्हें माता से पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु हो, सखा भी तुम हो, भाई भी तुम हो, और यार मित्र भी तुम हो,
माता तुम्हारे पिता बंधु तो भाई है वो तुम ही हो और तुम्हें विद्या से धरण तुम्हें हो जो अकल देते आपकी मेरी अकल कोई नहीं जो अकल आप देते हो और तुम्हें मम सर्व देव देवा सब जितने देवताओं का देवता आप ही हो अब ऐसे गुरु को मान जाए तो इसमें दोनों चीज़ आ जाती समझे न राग तो पूरा इसमें जो डिटेल हुआ ना वो राग भी गुरु जी के अंदर और वैराग जो है वो गुरु जी भी बताता है तेरा कोई है नहीं तो दोनों चीज़ वहाँ से मिल जाएंगी अब सो मत उसी एक टक देखो नहीं सर अरे पकड़ बता लेना तो सत्य कराती बता लेना तो मेरे को देख तेरे को मैं क्या करती हूँ मेरे गाँव मेरे सागे गाओ मेरे सागे नहीं गाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा सत्संग है सत्संग का मतलब एकाग्र चित करा के योग सिखाया जा रहा है आरती विनती को आती है कोई इधर उधर देखती ये बोले नहीं क्या देखे हैं मेरे को देख तो और मेरे सागे गाल है मेरा जब तो घना नहीं क्या सख मारना तो तू बोल रहे कुछ मैं बोलूँ कुछ मेरी डाल में डाल मिला तो वो कोशिश करे डाल में डाल मिला तो रेडिएशन मिलेगी उसको साथ साथ मेरे एकाग्र हो जाएगा पूरी उम्र बुढ़ा होने तक नहीं मन इकट्ठा होता वो उसमें हो जाएगा बूढ़ा होने तक बैठो बैठ देने कर ला देगी और ध्यान करते इकट्ठा नहीं कभी कर टेस्ट कर दिया टेस्ट क्यों टेस्ट क्यों रस नहीं आता उसको और उसके अंदर वो ध्यान का तरीका है तो ये कहते हैं एकाग्र ध्यान करा ध्यान करा ध्यान करा ध्यान न उठेगा मन तो जाता कहाँ का कहाँ ठहरता है तो ये जो विधि है बताती है कहती थी मेरे सामने कई बार बोले आरती विनती कर लूँ अब पता नहीं इसको वेद का पता था कि नहीं पता ये मैंने मालूम नहीं पर ऐसा थी मोहन झड़ दिया तो मेरा प्रवाह नहीं थी कि ध्यान बने नहीं बने मेरा एम क्या था कि ये किताब सज जाती है और इन्हीं को फिर लटकाती हैं तो कहते हैं कितनी रहेगी किताब मेरी सोचती इस पर थी और बाकी और खोए जाते थे किताब बांटने वाले और ही बात पा जाते थे और मेरा ध्यान कितनी रहे बोली थी रुक जाऊँ जल्दी तो लोग तो चले जाते होते और फिर थोड़ी देती उनको इधर करीब मिलने लगाना ताकि वो आगे चली जा करें तो मेरे ज्ञान देने का ध्यान नहीं उस वक्त मेरा ध्यान क्या कि ये ज्ञान चला जाए पूरी कॉलोनी में बांट नहीं सकूँगा जगह जगह का आदमी एक एक पुटली दे जाऊँ दो दो चार चले जाऊँगा और वो कर पड़ी जाएंगे सब बात तो उद्देश्य मेरा ये होता है इसे मैं सुनता नहीं इसे कुछ कराता नहीं इसे मैं कहता शायद मेरे शब्द के कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा तो ये क्यों नहीं बताता हूँ कि जो सुनेगा ना सत्संग वो थोड़ी देर आएगा एक नया आदमी और वो आके सुनेगा दो चार बार सुनने के बाद रहता कुछ दो चार बार प्रभावित करता और वो प्रभावित करने के लिए वो जीवन होता है कि भाई उसको ध्यान करो तुम सत्संग सुनते हो तो गेज करो मेरे पर और गेज करके मैं क्या करता गौर से सुनो तो वो सिखाता ध्यान का तरीका सुनने का और सुनने में सब कुछ आ जाता है सुन तो लिया जब तक कोई नहीं खा लीजिए तो आया रोक रहे कोई नहीं अन्य खाई तो रह तो ज्ञान दे दिया सुन लिया रख दिया इधर आके फिर देखा इधर फिर कुछ तो आज का सत्संग मैंने आपको सार बताया है कि पूरे सत्संग का सार क्या है ये समझ लेना कि जो कुछ करता वो करता है जो कुछ कर रहा है यहाँ पर जो मनुष्य रूप में जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा कर रहा है मनुष्य मार करके कत्ल वो करता है पाप वो करता है मारता वो है और मदद वो करता है सब काम करता वो करता तो ये दृष्टि बन गई जब तो सत्संग ले लिया और तो मुक्ति अवस्था उदास करेगा अगर ये दृष्टि नहीं रही तो नहीं बनेगा अलग हो जाएगा तो सार इसका सत्संग ये बात को समझ ले आखिरी चीज़ है पहले नहीं है पहले अलग अलग समझो भाई आखिरी चीज़ समझो क्या कि सब वही बस वही कर खड़ा तो उसमें क्या होगा भेद नहीं आएगा अब कोई कहेगा आज इतने आदमी मारे फलानी जगह आज इतने आदमी मरे फलाने तो समझ लो उसका खेल है और खेल कैसे रात को जानता है कि वो बहुमत के लोगों ने वहाँ बहुत बुरा सोचा और वो सब ऊपर चला गया इसे प्राकृतिक प्रकोप आया तो उनको सब धो दिया पानी मकान वो सब गया बहुमत से वहाँ छोड़ा हुआ तीर्थ स्थान है यहाँ पर बड़ी नदी आती है क्या है वो सबका सोट की नहीं आती वहाँ क्योंकि वहाँ पाखंड होता है जबकि लोग कितनी श्रद्धा रह के जाते हैं तो पाखंड को दूर करने के लिए दवाई मसा देता हूँ बहुमत से लोग सोचेंगे वो ज़्यादा प्राकृतिक को पाएगा
जिसको लॉ ऑफ लैंड टेंड नहीं देगी कानून, अब ये तीर्थस्थान इसमें क्या है, उसको लॉ ऑफ लैंड देगी सदा। ये है मैं कहता हूँ लॉ ऑफ लैंड, जिस काम को लोग नहीं मानते उनको फिर लॉ ऑफ लैंड लागू हो जाती है, लैंड का मतलब उसकी तरफ से, तो उसका कोई नेता अगर ऑब्जेक्शन नहीं टिकड़ा ग्रंथ ऐसे जाएगा, समझे ना बात। तो ये बात सुने जो कुछ करता है सार बताया अपना, सत्य का सार बताया, जो मैं जैसे बता रहा हूँ कि एक एक बताओ तो मैंने बता देना, जो मन समझा हो सकता वो गलत हो, कि केवल ये ऊँची दृष्टि करे आदमी तो जो खेल कर रहा है वो सब का सब वो कर रहा है, परमात्मा एक यार ब्रह्म एक को दूते नास्ते, मुसलमान कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है, यहाँ तक तो ठीक है और बाकी उनका रिवाज है तरीका है जो उसके शैली जो है बहुत गंदी है, शैली क्या वो प्यार से कर रहे कृष्ण कर रहे किस तरह देखा भंगिया काम करे बोले तो ये तेने छोटा समझते हैं, तो भाई कृष्ण बन जा तेरे बराबर उठाऊंगा बराबर, तो कृष्ण तो मीठे तरीके से दिया है और उसी की शैली जो गलत है, बात भाई उसने करी है कि एक हो जाए सब तो ठीक है 20 साल होते वो उन्हें करी है ज़बरदस्ती, उनकी शैली गलत है, बात दोनों की एक है, इन्हें तो करिए मिठास से ताकि उस आदमी को ऊँचा पद दिया और आपने सागर मिला दिया कि कृष्ण सब कृष्णों के लिए इनका राज था ना स्पेशल फैसिलिटी थी, कृष्णों के लिए स्पेशल थी प्रमोशन उनका बराबर, मैं तो सब चो बराबर रखते थे, ये बात है। इसे इन तो लिया है इस शैली से काम, और मुसलमान लिया है शैली दूसरी से, बात दोनों की एक, एक तो काड़ के काम कराया जाए और एक प्यार से कराया जाए, तो इन्हें जो कृष्ण ने तो कृष्ण टी फैलाई है प्यार से, क्या हम रहते तो हिंदू छूत समझे ये बोला जी जो कहते पढ़े पढ़े बैठे पढ़े चामड़ी काट है, पर कोई बात तो चामड़ी काटे कोई बात नहीं, इनके कोई आटी को चामड़ी काटो चाहे कुछ भी करो चाहे वो कूड़ा खंड हो कृष्ण है तो बराबर ठीक है जाएगी, नाव दो साफ होया और मतलब भेद नहीं समझा, इससे ज़्यादा कृष्ण भी बनिए अरे नहीं प्यार से दिया का और मन तो जैद से बात करिए बारह कोटी करिए, और इन्होंने क्या करा खुला दरबार कर दिया, न उसकी योग्यता देखी न कुछ बात देखा, हर लोग कह दिया सुनिए है तो एक साल लिख लो जी तो बुद्ध आया तो बुद्ध से ज्ञान जून हो गया वो कर दिया उसने, अरे क्या बस बस में गया तो बुद्ध तरीके नहीं थे बैठा और ज्ञान हो गया, अब इन्होंने देखा जगह सन्यासी था तो इसने ऐसे ज्ञान हो गया, ये बाद में मेरे ख्याल में अशोक के टाइम के बाद ही बात बाद में जो चला चला गया ना सब वो एक रह गया अंदर वो प्रेमी था उसका बुद्ध का खास है, तो उसकी उसकी टाइम की बात है, तो जितने सन्यासी थे वो ये थे भिक्षु थे और बांगड़े यात्री का क्या था बुद्धम सुनो को स्वामी बुद्ध की शरण ले लो ले लिए, और दूसरा क्या था संगम सुनो को स्वामी का संघ की शरण ले लो और संगत के सही मिल जाओ आगे, अरे एक अहिंसा सुनो को स्वामी इन्हें अहिंसा ले लो कीड़ी को मारो ना भाया कोई चीज़ और भगवान कपड़ा पहन लिया, हिंदू सन्यासी बोले तेरा ज्ञान कैसे हुआ बबू तुम्हें क्या देखा है तू अनुभव क्या कर बोले अनुभव क्या करेगा आनंद लेता हूँ अढ़ाई घंटा बैठता हूँ आनंद लेता हूँ उसके सब कुछ पता नहीं आनंद क्या मतलब है अरे गाड़ी नींद में चला जाता है वो गाड़ी नींद में चला जाता है बैठे थक जाता है ना उसे और वो इतनी देर बैठे आज बड़ी भी देर अढ़ाई घंटा सोया वो नींद पूरी अच्छी है और वो खड़े से बोले कह दिया आप दे दी और मैं पूछता हूँ जरा बहुत से हिंदू सन्यासी पूछते ना भाई तू क्या देखता है क्या अनुभव करता उस पर अनुभव क्या करना आनंद लगता है आनंद को बताया थोड़ा जाता आनंद है बिल्कुल और कुछ तो स्वतः जीरो है, तीन चीज़ सामने रहनी चाहिए जब साधन है, या तो गुरु का रूप रहे एक छोटी चीज़ कोनी है या छोटी चीज़ कोनी है सबसे टाकरी है ये गुरु और रूप का ध्यान बढ़ना सिद्धि आ जाएगी पूरी रास्ता खुल जाएगा, एक मंजिल ऊपर तय कर लिया वो गुरु का ध्यान करने वाला शरीर को छोड़िया शरीर में फैल लिया सब लोग तो यहाँ से खींच के और सब छोड़ती जाती तो दो तरीके से आ जाती है, एक तो प्रेम से ज्ञान से
बहुत अच्छी मजा देते हुए, और एक आती है भय से, व्हाट टू डू, भय से, कोई मारेगा तो नहीं, मेरे को मारेगा, तो इकट्ठे होते वो चमत्कार देख लेता, गुरु का रूप आ जाता, रो ये कर देता, वो कर देता, न को गुरु न को पीर। तो ये जो चीज़, एक तो भय से आती है, एक चमत्कार, एक तो भय से और एक प्रेम से घटते, प्रेम से वो घट जाते। एक दो चीज़ का पड़का पड़ जाना रहे भाई, जख्म देगा तो प्रकाश है वो, और फिर उसी का कसता रहता आदमी रात दिन उसी पर, और वो प्रकाश आया को नहीं, वो प्रकाश आ जाए फिर जागा कोई, वो अब आएगा ब्रह्मचारी कायम रहने से, और ब्रह्मचारी हमारा कायम रहता नहीं, किसी के स्वरूप में गिरा होता है, इससे वो आता नहीं पूरा। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अलग बताया आगे, उसके लिए बताया कि तुम इस रस्ते पर आ जाओ और ध्यान को इकट्ठा कर लो, और ध्यान को इकट्ठा करने के लिए पहली चीज़ मिलता ही है कि पहले गुरु का ध्यान धर प्यारे। तो गुरु का ध्यान धरने से पहले गुरु में जान डालनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा क्यों ध्यान करे वो, क्यों करे, यह अब आरती विनती कि इसमें लोग बताया जाता है कि वो सब कुछ है, बाप बहने बाप भी और भी गाते हैं उसके से काम करते हो ना, वो तुम ये हो वो हो वो सभी सब तुम भी है, उसकी बड़ाई करे ताकि लोगों को मन इकट्ठा करने की आदत पड़ जाए, और दूसरी बात उसके प्रति विश्वास आ जाए, वो रोज गाएगा तो वो विश्वास आ जाए कि वाकई वो है, और दूसरी बात है एक तरीके से वो गाना सजा मन इकट्ठा कर दे। तो ये आरती विनती पर दे जाइए, और जो आरती विनती नहीं करता वो मन इकट्ठा होगा ही नहीं उसका, बात सुन लो तो कोई सुनिए कोई उन से आ जाओ, तो ये कुंजी है, और ये तरीका जो गाया जाता आपने बिल्कुल, और इसका भाव ये समझिए कि नहीं, तो आपने काम करना इसलिए मैं बता रहा हूँ, और मैंने आपको बताया सत्संग देने की चाहते हो तो आप ऐसे काम करो, खुद करो शुरू, मैं आप दोनों को मेरा रहस्य बताया क्या, खुद करो, अपने सत्संग को कन्विंस करो, कैसे करो, जैसे तेरे बता दिया इसे टर्णिंग बता दे, या सुनना चाहती या दो तीन बुला देगी, चार बुलाई पाँच बुला देगी, मगर मैं जैसे आगे जैसे तू ये काम करे पाँच चार करे, कोई आदमी तो हमको नहीं, आदमी तो दादा बने बैठे, तो रेडी आ जाएंगे, रेडी के साथ कोई रेडी का अपनी पत्नी की बात को मानता है, प्रेमी आदमी है तो आदमी भी आ जाएगा साथ, और वो सुन लेंगे, तो 15-20 आदमी ऐसे आने लगे आपको एक जगह, वो थोड़ी दूसरा उस जगह देख लो, और तो इस तरह से बढ़ो, टावर कह लिखना सीखेगा तब जाएगा आगे चलेगा। तो सत्संगी माँ को जरा बताता हूँ, परी भाई सत्संग देना चाहते हो तो कन्विंस कर लो, और कन्विंस आदमी नहीं होते तो ये पकड़ लो, आसान तरीका बता ये नहीं ये पकड़ लो, रहस्य बताते हो, रहस्य आता हूँ, सभी का जानकार हूँ पूरी तरह टू जेड, तो मैं बात बता देता हूँ, और कैसे जानकार हूँ, ये गार्डियन गिफ्ट है मेरे को, उसकी तरफ से देन है, ये तरीका जान, और मेरे मुँह से बात निकली जो करने वाली निकलेगी नहीं आगे सर। तो आज का सत्संग क्या दिया हमने आपको, जो कुछ हो रहा नहीं यहाँ पर, तो उसी दृष्टि से किया वो, तो वो कर रहा खुद ही उसका काम, आप हैरान नहीं होगी कि आज तो बिहार के वही आदमी डूब गया, आज तो बिहार के अंदर इतना आदमी, आज तो आप सुन लड़के मर गया इतना आदमी, बिखर होगी अरे हैरान नहीं होगा कि बिहारी जो थे उनके गंदे विचार थे, और वो इकट्ठे हुए गंदे विचार ऊपर गए, और वो आगे बकोर को वहीं पर पड़ गए, तो आपकी दृष्टि उतर जाएगी, यही सर सोचा हुआ राजनीति पर तो जुलम होता है, ये राज देश पर, ये राजनेताओं सोचना, ये रुचि रहते हैं, बिल पास नहीं होने देते, ये नहीं करते, वो गंदे विचार पर जाते हैं और आते हैं तो वो पार्टी कामयाब नहीं है, हार जाती है, समझा नहीं, गंदे विचार गए और दूसरी फिर दूसरी की सोचती है, तो वो गिवन टेक का सिद्धांत हो गया, उसने सोचा उसने सोचा हो गया, और उसने सोचा उसका सोचा, ठीक है ना। तो ये तो ज्ञान है, और तो मुझे मकसूद क्या है, मकसूद है वो जो ही करना है, पूरे सत्संग का सार मैंने बताया था, और इस तरह कोई सार बताता तो मेरे को बता देना, कहीं टांग पड़ेगा कहीं पूछ पड़ेगा, सुनी सुनाई बात है, और मेरा रोज का देखना है अनुभव, आपको प्रश्न तो मुझे पूछ लो, इसके सार के अलावा जो कोई प्रश्न है आपको तो पूछ लो, ये समझ के कि आपने ये काम देना है, निम्बू और को बुलाता मतलब नहीं समझता उत्तराधिकारी आपसे अच्छा कोई होगा,
ठीक है ना, तो बड़ा रखना विचार, और अपना गर्व नहीं करना कि मैं करता हूँ, कि वो कराएगा तो करूँगा, कराने वाला वो है। तो ये क्या परमात्मा करता अभी, अब गुरु को नाम बदलना, पर तो गुरु को लेते थे ना ज्ञान के लिए, अब परमात्मा गुरु का नाम लेते ही उल्टा अक्सर होगा, नेगेटिव सोचेंगे सब। तो अब भी परमात्मा करता उसे कराता हूँ, अब गुरु के नाम तुम परमात्मा रख दो, परमात्मा का नाम भयान बिल्कुल, परमात्मा क्या है क्या नहीं, तो परमात्मा सब जानते, ईश्वर बता दिया, ईश्वर करे सो होगा, ईश्वर करे सो, ईश्वर करता है मेरे साथ, तो ईश्वर रहता है भैया हमेशा, अब तो गुरु रहता है हमेशा, ज्ञान देता, वो ज्ञान देने वाला साथ रहता, वो मेरी मदद करता है ईश्वर में, मैं तो भरोसा करता हूँ ईश्वर भैया। तो गुरु का नाम लोगा तो छोटी बातें बढ़ जाऊँगा आपके लिए, वो और तो मैं सब बता नहीं सकता ये बात, जैसे कहीं भूलकर जिनसे काम कराना चाहता हूँ उनको बता देता हूँ कि तुम्हें काम करना इस तरह काम करते रहना, गुरु का नाम मत लेना, चर्चा मत करना मेरे नाम की, चर्चा मत करना क्यों नहीं पता करता, तेरी चर्चा हम करेंगे हर बसरे के सामने, अब नहीं करनी है, अब चर्चा करने से उल्टा लेते हैं उसको, अब इसीलिए तो मैं मानव मंदिर को प्रसिद्धि को दिखाऊँ, इसे कोई चीज़ प्रसादी दी हुई कब से काम करने लग रहा हूँ, पंडित फकीर चंद जी के जाने पर बाद में काम करना शुरू कर दिया, मानो जार मुंशी भगतराम से काम करता था, बगैर पता है मुंशी भगतराम छोड़ के सब चलेगा, फिर पता चलेगा मानो जार को पता बढ़ा दिया गुरु भटे जी का महाराज जी ने, और कोई फोन कर दिया ठीक बता दिया होगा, जब उसको पता चला तो छोड़ के और चंडीगढ़ चला, चंडीगढ़ गया वो तो इस तरह का लोगों ने बताया, वो तो चलेगा चलेगा भुगतरा भी चलेगा, मुझे पता चला भुगतरा वो तो चलेगा छोड़िए वो ठीक है, मालूम जा रहा क्या वो भुगतरा तो छोड़िए चलेगा, तो और क्या करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, उसको बुला के राज्य करेगा नाम तुम दिया करें और तू काम करा कर, फिर काम कराते हूँ तो करा ले, क्योंकि मेरे उसको मानता था मालूम जा रहा, मैं गया उसके पास में घड़ा गया उनके बातचीत करी, हवा हो के अपने सवा जाके अपने बातचीत करी को, मैं गया तो आ गया ठीक होने, बोले वो मानव जाल जी को कर दिया मेरा क्या काम रह गया, मैं गया मानव जाल नहीं करेगा वो काम, आप आपका काम आप ही करोगे, आप मानव जाल तो आज ही दे रहेगा कल फिर जाएगा, फिर वो फंसा हुआ है अमरीका में, तो वहाँ जाता आता रहेगा, वो बच्चे उसके उधर ही हैं, लड़के लड़कियाँ और तार तो उठाइए भी ऐसा है, और सोचता है बोले कप्तान आखिर में बोला कप्तान साहब आप बात ठीक करें, मेरे बड़ी शर्म चली है, मेरे शर्म चली है, मैं एक बार आ गया और केमू लेके जाऊँगा तो जाल से मेरे को शर्म चली है, पर एक बात आपसे कहता हूँ, उन्होंने कह दिया मंदिर नहीं छोड़ेगा, क्यों मैं छोड़ा मंदिर, अब चाहता हूँ शर्म आती है मेरी, मैं इधर ज्ञान देता हूँ बड़ा बड़ा और इधर मनुष्य आ गया तो मैं काबिल नहीं उसके, मैं तो काबिल नहीं, बस मेरे को शर्म आती है खुद को, तो मैं जा नहीं सकता और मैं गलती करके आया हूँ, और देख रहे उन्होंने बता दिया मंदिर ने छोड़े मेरी तरह को छोड़िए न बाधे जब जाना मुश्किल हो जाएगा, सच्ची सर्टिफिकेट दे दी माई डेवलो वो तो नहीं तो आओगे नहीं जाओगा, अब आप नहीं करना करना आप करो करो आप, बोले ठीक है, फिर भी कहा थोड़ी सी अड़चन आती फट वो चिट्ठी देखता फोन कर देता, थोड़ी सी मंदिर में होती गड़बड़े, परदेशी रहता था बाद में परदेशी को पता था ये गाड़ी काट चार किताबें पढ़ ली वेदा की वेद में वेद में लिखा है, अब उसको कहता ही बात कहता था इस नाम से पकड़ता गंदे नाम से, ये इतना सी नज़र देख रहे तो कहाँ पर थी उसकी, और वो जाते थे अच्छा अभी अजामत का सत्संग सुनो, जिसमें कहता हूँ ना का सत्संग सुनो, अजामत बनाता रहता है वहाँ तो करता रहता था पूरी टाइम पर काम किया, जब वो गलती करना गया मैंने बता दिया उसको, मैंने दो चार बजे के पास मैंने जाने मिलता, फिर बाद में कल आता होता महाराज आपके लिए शोभा नहीं देता है काम, बोले क्या भाई मुझे एक कुमान चीज़ है यार, मैं कहा ब्रह्मचारी को नाश करने से ठीक, और बोले तो कोई वो तो ऐसे ही है डॉक्टर कहते अपना पूरा करते गए मरता सत्य रहना चाहिए, ये उनका कहना था, और बैठे जाने के बाद वो पूरा किया उसी डंड पकड़ी, और फिर वो ऐसे करीब अगर पागल मेंटल हुई उल्टी बात सत्य बोलता कुछ ही नहीं करती कुछ, फिर उन्होंने कहा सत्य कराना छोड़ दो, उन कराएगा तू कराएगा मैं तो कराने काबिल नहीं,
जानता ही नहीं पाता तो कौन कराएगा। तो वो एक देगी आपने कहता डीजी है इसको दो ये कराएगा आ रही दर्ज है आपने पास स्टेशन से इनको दो। बोला देख रहे जब वो चले जाता था इनसे काम कराता था इनका पूछ मन बढ़ाया है सत्संग दर्द सेवन दिवाए अडेगी जो था इसी का भूखा था आया करता था आके तो बेटा जल साहब आप दो सत्संग अच्छा आज नाम दे जल साहब को नहीं आज आप दोगे नाम डोगा फूल जाता इसका आप दोगे तो जब नाम कैसे हो नाम तो आप दोगे चार में कर देता हूँ वो चार में करके आ जाता हूँ नाम आप दोगे और फिर दान दिख रहा होगी वो आप ले लोगे और आज माएंगे उसको बता दिया कि कांड है हमें समझता है जहर है। तो वो क्या करता था कि वो जो पैसा आता था उनका वो कहते मारते हुए देते बस देखी को देता था और उस देखी जाके ऐसे करता बैठ रहा आता ही पता ही नहीं था उसको कुछ। अभी ये हालत इनकी चलती आई हरी को मैंने कराया ड्रामा क्या है समझा गया नहीं तो मैंने आपको मेरी हालत बता दी थी क्या करें मन मंदिर में पूरा काम कराया और मैं क्रेडिट लिया नहीं अलग रहा नाम नाम जो नाम खुला कर करा देना तो नाम जो महाराज जी तो छोड़ दिया तलाक खा गया सलाम की बस और तो छीने वा जबल फुराड़ी वो उसके विचार से सोलह साल तीनों मरिया रही है मरिया ने देखे बाद मूर्ख नाम जहाँ गलत है गंदा विचार था वो नफरत करती सोलह से और बड़ी योगी थी जबरदस्त फिर लाल रंग का प्रकाश का ध्यान करती थी ओम के स्थान पर। तो मैं तो पूरी उम्र मानव मंदिर का ड्रामा करता रहा हूँ मानव जाल जी को जो तकलीफ आती मुझे फिर बुलाता था जो तकलीफ आती फिर बुलाता था और नेगी का भी झगड़ा रुक जाता था नहीं तब नेगी याद कर देता था ए कण तमाशा बनबड़ा के मेरे भाई तेरे एक से क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा थे तमाशा करता रहा। तो करने वाला कौन था वही सब काम करने वाला वही था। अब समझे इस बात को उस वक्त ये समझ नहीं थी अब ये समझो करे कराओ आप या मानस कह रहे कुछ या। तो आज सत्संग का मूड उठा दिया कि वो एक है और वही वो ड्रामा कर रहा सभी है चोरी चोरी का काम भी वो कर रहा है जारी का भी वो कर रहा है कत्ल भी वो कर रहा है दया भी वो कर रहा है रक्षा भी वो कर रहा है और बीमारी भी वो फैला रहा है डॉक्टर अमन बैठ के तो बीमारी फैलाता है कल ऊपर पेशेंट को नहीं आया पेशेंट को नहीं आया और वो मौसम आता है लोग पेशेंट आने लग जाते और फिर जो पेशेंट आते हैं इलाज वही करता है वही तो अपना एडवर्टाइजमेंट करता है और वही वही काम करता है सब कुछ करे खराब आप सार सत्संग का ये सार है थोड़ा समझ आई तेरे को नहीं आई जानू कर बैठी हूँ कोई बात नशे में गई हाँ तो कोई बात है तो सुनिए बात काफ़ी है ना।